હવે જો સમાચાર વિગતવાર. દેશના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરે પવિત્ર શ્રાવણ માસના ચોથા સોમવારે હજારો ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. શિવજીની આરાધનાના અતિ ઉત્તમ એવા શિવપ્રિય શ્રાવણ માસ નિમિત્તે સોમનાથ મંદિરે માનવ મહાસાગર છલકાયો હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વહેલી સવારથી જ હજારો ભક્તો 2 કિલોમીટર સુધીની લાઇનોમાં ઉભા રહી દેવાધિદેવ ભોળાનાથની પ્રાંત આરતીના અલૌકિક દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. मैं शिल्पी अग्रवाल, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों के साथ और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं. और आज सावन का चौथा सोमवार है. बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है. थोड़ी सी सफाई की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, अदरवाइज बहुत अच्छा है. लाइन बहुत प्रॉपर चल रही है. पुलिस वगैरह सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. कोई धक्का मुक्की नहीं है. हम लोगों को बहुत आराम से दर्शन हुए. बच्चों को भी हमने दर्शन कराए. बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है. हम तो यहाँ पहली बार ही आए हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. भगवान का दर्शन कर, भगवान का श्रृंगार भी बहुत सुंदर है और देख करके मन बहुत खुश हो गया और लग रहा है कि फिर से आने का मौका मिले हमको यहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है. दोबारा आना भी हम चाहेंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. भगवान के दर्शन और आरती करके कैसी अनुभूति हुई आपको? बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली, क्योंकि दर्शन करने के लिए जब हम आते हैं तो लगता है कि बस भगवान के अच्छे से दर्शन हो जाए और बहुत ही अच्छा अंदर से. अहमदाबाद थी आऊँ छू. दर सोमवार अँ दर्शन करवा माटे आवी थी. आ वक्त थोड़ी वधारे भीड़ छे अने अंदर भगवान ना दर्शन करीने खूब ज आनंद आवे छे. દર સોમવાર આવો છો, સોમનાથ આવવાનું કેવું વિશેષ કારણ છે? મનને શાંતિ મળે છે. કેવું મનને શાંતિ મળે છે? શંકર દાદા